जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसे रहस्यमय फैक्ट शेयर करने वाले हैं जो इंडियन आर्म फोर्स के बारे में है। आपने इंडियन आर्म फोर्स को शायद बहुत सी न्यूज में देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके पास कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो दुनिया में टॉप नॉच हैं? और क्या आपको मालूम है कि एक युद्ध में इंडियन मिलिट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर रिकॉर्ड बनाया था? ये तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंडियन मिलिट्री के कुछ ऐसे अनहर्ड ऑफ फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी इन फैक्ट्स की नॉलेज हो तो इस वीडियो को देखें और देखें कैसे इंडियन आर्म फोर्स दुनिया में एक यूनिक जगह पर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इंडियन मिलिट्री के बारे में क्या है खास। 1991 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में तो हर किसी को मालूम है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिसे इंडियन आर्मी ने सीधा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ा था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस युद्ध को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। अमर मुक्ति संग्राम। पर क्या आपको पता है कि इस युद्ध के दौरान इंडियन मिलिट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने इंडियन मिलिट्री के सामने सरेंडर किया था और ये आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन मिलिट्री के सोल्जर जंगल और हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में दुनिया में सबसे अच्छे क्यों हैं? ये एक ऐसा फैक्ट है कि कई विदेशी देश जैसे कि यूएसए, यूके अपने सोल्जर को जंगल और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए भारत भेजते हैं। आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जो कि काउंटर इंसर्जरी और जंगल वॉरफेयर स्कूल के नाम से भी जानी जाती है, दुनिया में हाई एल्टीट्यूड और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। और अब आइए बात करते हैं एक ऐसे एडवेंचरर की जिनको आप और हम बियर ग्रिल्स के नाम से जानते हैं। बियर ग्रिल्स एक ब्रिटिश एडवेंचरर, राइटर और टीवी होस्ट है जो अपनी टेलीविजन सीरीज बॉर्न सर्वाइवर के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इस सीरीज को इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बियर ग्रिल ने अपने सफर के दौरान इंडिया के हिमालयन माउंटेन्स में एक अहम हिस्सा गुजारा है? उनका सपना था भारतीय सेना में भर्ती होना, लेकिन उन्हें इस बात का दुख उठाना पड़ा कि सिर्फ एक भारतीय नागरिक को भारतीय सेना में शामिल होने की अनुमति है। और फिर उन्होंने कुछ समय भारतीय सेना के साथ बिताया। उन्होंने सिक्किम और बंगाल के हिमालयन माउंटेन में हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और दूसरी स्किल सीखी। और फिर आया वो पल जब बियर ग्रिल्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उनका ये अनोखा सफर उनके डिटर्मिनेशन और एडवेंचरस स्पिरिट के साथ साथ उनका इंडिया में मिली ट्रेनिंग का प्रतीक है। इंडियन मिलिट्री की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जो भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन एजेंसी में से एक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। आपको शायद ये भी मालूम होगा कि 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के समय MES ने दुनिया में सबसे बड़ा सिविलियन रेस्क्यू ऑपरेशन का रिकॉर्ड बनाया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राहत और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 20,000 लोगों की जान बचाई और करीब 3,00,000 से लेकर 4,00,000 किलो तक के इक्विपमेंट्स और रिलीफ मटेरियल को ड्रॉप किए गए थे। अग्नि मिसाइल जो आज के समय में भारत की शानदार मिसाइल में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है जब अग्नि मिसाइल को डेवलप किया जा रहा था तो पाकिस्तान, यूएसए और यूके ने इस डेवलपमेंट को अंडर एस्टिमेट किया था। उनका मानना था कि भारत कभी भी ऐसी एडवांस मिसाइल नहीं बना सकता, पर आज अग्नि मिसाइल भारत की टॉप नॉच मिसाइल में से एक है। अग्नि प्राइम मिसाइल को डेवलप करके भारत ने उन देशों में आना चुना जिनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, यानी कि जिनकी रेंज 5,000 किलोमीटर से अधिक होती है। इंडियन मिलिट्री ने एक ही युद्ध हारा है और वो था 1962 का भारत चीन युद्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1962 के युद्ध में इंडियन मिलिट्री की कमजोरी के बजाय हमारे देश के लीडर ने पॉलिटिकल रीजन के चलते इंडियन मिलिट्री को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं दिया था। इस वजह से हमने एयर सपोर्ट देने से भी मना कर दिया। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर इंडियन मिलिट्री को पूरा कंट्रोल मिलता तो शायद हम जीत सकते थे। आप सबने सुना ही होगा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्स ने की थी। उनका एक कामयाब मिशन 2016 में LOC के पार एक बी फिटिंग रिप्लाई का उम्दा उदाहरण है।
और अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के ग्रूड स्पेशल फोर्स की तो शायद आपने उनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले उन्हें क्विंस के नाम से जाना जाता था, फिर उनका नाम बदलकर टाइगर फोर्स रखा गया और आखिर में उन्हें ग्रूड फोर्स के नाम से रिब्रांड किया गया। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसे एक आम रास्ते पर पुलिस एक्शन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका महत्व इतना बड़ा है कि आज भी लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन पोलो यानी कि पुलिस एक्शन की। इस युद्ध में भारत की फोर्स ने हैदराबाद स्टेट के खिलाफ लड़ाई की थी। हैदराबाद स्टेट जो आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, उस समय एक अलग राज्य था और जब भारत आजादी के बाद एक हुआ तो हैदराबाद स्टेट ने आजादी के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया। ऑपरेशन पोलो के दौरान तकरीबन 2 लाख रेगुलर फोर्सेस और 35,000 इंडियन फोर्स के पर्सन शामिल थे। इस युद्ध में भारत की तरफ से 32 लोगों की जान गई थी, लेकिन हैदराबाद स्टेट फोर्स में 807 लोग मारे गए थे, 1647 लोग बंदी बनाए गए थे और करीब 1373 आम लोग मर गए थे। हैदराबाद स्टेट की तरफ से एक प्रयास था अलग रहने का, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाम रहा। ब्रह्मोस मिसाइल जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मिसाइल सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है? जी हाँ, ये मिसाइल किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और इंडियन नेवी के सबमरीन से भी। इंडियन नेवी ने एक समय में कई एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट किए जो अन्य देश नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स ने कभी एक भी कैजुअलिटी की गलती नहीं की, लेकिन एक ऐसी घटना है जो कारगिल वार के दौरान घटी, जिससे उनका एक पीसीएम कैजुअलिटी हुआ। युद्ध की शुरुआत के कुछ ही महीनों बाद एक दिन इंडियन एयरफोर्स ने एक खौफनाक फैसला लिया। उन्होंने एक पाकिस्तानी पेट्रोल प्लेन को टारगेट किया जो गलती से उनके एयर स्पेस में आ गया था। इस प्लेन में लगभग 16 लोग थे और उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। इस हादसे के बाद इंडियन एयरफोर्स ने कहा था ये उनकी एक ही कैजुअलिटी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको इंडियन आर्म फोर्स के कुछ बेहद रोचक और अद्भुत फैक्ट्स बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और भी वीडियो बनाएं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।